हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, खरीदारी हम लोग हर रोज करते हैं, सब्जी फल से लेकर एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, मोबाइल फोन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। जी हाँ, और इतने पैसे देने के बावजूद भी कभी कभी अगर सामान में अगर कोई ख़राबी निकल जाए, डिफेक्टिव निकल जाए, तो ऐसे में हम लोग क्या करें, कहाँ कंप्लेन करेंगे और कैसे कंप्लेन करेंगे, इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपको हर सप्ताह एक लेटेस्ट जानकारियाँ आप तक मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या टिप्स है, एक कंप्लेंट, अच्छे कंप्लेंट्स लिखने का टिप्स क्या है। नंबर वन, हमेशा कंप्लेंट लिखने से पहले जब भी आप कुछ सामान कुछ खरीदे हैं या फिर टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह खरीदे हैं या फिर आपने किसी सर्विस को परचेज करा है, ठीक है, तो जब भी आप एक लेटर भेज रहे हैं, कंप्लेंट लेटर, ठीक है, तो आप एक राइट पर्सन को ही लेटर भेजेंगे, तो उसका राइट पर्सन को भेजने या फिर सही डिपार्टमेंट में ही लेटर जाए उसके लिए आपको उस कंपनी के वेबसाइट पे जा करके आपको क्या करना होता है, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, कौन है ये आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, उसको आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, और उसका उसके वेबसाइट पे ही आपको जो है एड्रेस भी मिल जाएगी, ठीक है, कंपनी का एड्रेस कहाँ है, जिस एड्रेस पे आपको आप सही कंप्लेंट लिख करके आपको बाई पोस्ट भेज देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब भी आप एक लेटर लिख रहे होते हैं, जी हाँ, अभी आप बोलेंगे कि सर हम लोग कंप्लेंट तो फ़ोन से भी तो कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन से करने में क्या होता है, कई बार हम लोग फ़ोन करते हैं और उसका रिप्लाई तो आ जाता है कि जी सर आप लोगों को सर्विस मिल जाएगी एक घंटे में, दो घंटे में, तीन घंटे में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आता है सर्विस वाला और बोल के चला जाता है कि ये आपका वारंटी पीरियड ख़त्म होगा या फिर बोलेगा सर ये वारंटी में कवर नहीं होता है, आपको इसके लिए पैसे देने होंगे। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपको जो है वो कंप्लेंट लेटर के द्वारा लिखना होगा और डायरेक्ट आपको कंपनी को लिखना होगा जिससे कि आपको वहां से फ़ोन आ जाए, ठीक है, और आपको इसकी सारी जानकारियां मिले, ठीक है। तो आप कंप्लेंट लेटर जो होगा वो शॉर्ट लिखेंगे और शॉर्ट में सारी जानकारियां देंगे, ठीक है। आपको क्या होना होगा, लेटर जब भी आप लिख रहे हैं कंप्लेंट लेटर, तो हालांकि आप लोग को हंसी आएगी थोड़ी, लेकिन आप लोगों को मैं कहूँगा बिल्कुल पोलाइट होना है, जी हाँ, हम्बल होकर के, बिल्कुल विनम्र होकर के, ठीक है, बिल्कुल विनम्र होकर के आपको लेटर लिखना है, कोई सरकास्टिक नहीं करना है, सरकास्टिक कहने का मतलब कोई व्यंग नहीं लिखना है, ठीक है, और आपको र्यूड नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। मान लेते हैं आपका एक टीवी ख़राब है, ठीक है, कोई आपने एक पर्सन को बुलाया था बनाने के लिए, ये पर्सन आया और बोल के चला गया कि भैया इसके लिए पैसे देने होंगे नहीं तो बिना पैसे का नहीं बनेगा, ठीक है, तो आपने क्या करा, फ़ोन से बुलाया था, ठीक है, आप फ़ोन से जब भी बुलाते हैं तो इसका फ़ोन का रिकॉर्डिंग आप ज़रूर रख ले फ़ोन कॉल पे कि इस फ़ोन पे ये बंदा ने क्या बोला था और आ करके क्या बोल के गया, ठीक है। उसके बाद जो है आप कंप्लेंट जब भी आप इसकी कंपनी में करते हैं कंप्लेंट, ठीक है, तो आप इसके बारे में भी बताएं कि हाँ मैंने इस डेट को कंप्लेन करा था जिसका आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है और जिसमें ये बोला गया था, फिर वो आकर के आपकी कंप्लेंट को नहीं ठीक करा, तो आप कंप्लेंट इस टाइप से लिखेंगे और बिल्कुल बिल्कुल पोलाइट वे में आप लोगों को लिखना होगा, बिल्कुल विनम्र होकर के आपको लिखना है, ठीक है। चौथी चीज़ जो है, आप जब भी कंप्लेंट लिखते हैं, ठीक है, तो आपकी कंप्लेंट में आपका कंप्लेन क्या है और कैसे उसको रिजॉल्व करें वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं आपका कंप्लेंट है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट जो है, आपने मान लेते हैं ABC कंपनी का एक टीवी परचेज कर रखा है, ठीक है, एक टीवी परचेज कर रहा है, इसमें ये टीवी डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव इन द सेंस कहने का मतलब होता है कि ये टीवी ख़राब है, ठीक है, ख़राब हो गया, चलते चलते हो गया भाई, 3 डेज़ में हो जाए या 4 डेज़ में हो जाए या 6 मंथ में हो जाए, ठीक है, अगर ये वारंटी से कवर होता है तो आपको सर्विस तो मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके बावजूद भी कभी कभी नहीं मिल पाती है या आपको रिप्लेसमेंट नहीं होता है, तो आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करना होगा, ठीक है। कंपनी को अप्रोच करते समय आपको सबसे पहले तो आपको रखना होगा कंप्लेंट, आपका कंप्लेंट क्या है। मान लेते हैं कि मैंने एक LCD टीवी ख़रीदा था और ये टीवी का जो है स्क्रीन में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को ज़रूर जान लें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है,
पहली चीज़ कंप्लेन कर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जान लें। दूसरी चीज़ है रिजॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है, आप क्या चाहते हैं। आप हो सकता है आप चाहते हो कि मेरा पैसा रिफ़ंड हो जाए, मेरा पैसा वापस हो और भाई अपना सामान ले जाओ, ठीक है, या फिर आप चाहते हो रिटर्न करवा लो, ठीक है, रिटर्न भाई हमको सामान ही नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि रिप्लेस हो जाए, मेरा ये सामान ख़राब है रिप्लेस कर दो, या फिर मेरा एक पार्ट ख़राब है इस पार्ट को भाई बनवा दो, ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। और एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दूं, खैर आगे मैं बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट ख़राब है तो उस प्रोडक्ट को आपको ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना है, ठीक है, डू नॉट कीप डिफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, डिफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, आप ज़्यादा दिनों तक अपने प्रोडक्ट को, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखेंगे, आपको कंप्लेंट करना होगा। आप कंप्लेंट आप लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। गिव अ रीजनेबल टाइम लिमिट, कंप्लेंट जब भी आप कर रहे होते हैं, मान लिया कि आपको सर्विसिंग ही चाहिए है, ठीक है, आप एक टाइम लिमिट दे दें कि हाँ मैं इतने बजे घर पर रहता हूँ, इतने तारीख को, इतने दिन में ही मेरा ये बनना चाहिए, ठीक है, आप एक टाइम लिमिट दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो हैं जब भी आप कंप्लेंट लेटर लिखते हैं उसकी एक कॉपी हमेशा रखें, और जब भी आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर में जो भी आप बिल्स वगैरह भेजते हैं उस बिल्स का, ठीक है, उस रिसीविंग का कोई भी ओरिजिनल चीज़ आप ना भेजें, ठीक है, ओरिजिनल नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपका लेटर जो होगा वही ओरिजिनल होगा, जो भी आप रेस्ट चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं उसको आप क्या करेंगे ज़ेरॉक्स कॉपी भेजेंगे, ठीक है, जो कि आगे लिखा हुआ है यहाँ पर। अब है रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप कंप्लेंट लिखते हैं तो बाई पोस्ट उसको भेजें, और पोस्ट से भेजने के साथ साथ आपको क्या होता है, पोस्ट से जब आप भेजते हैं तो आपको एक रिसीविंग मिल जाता है छोटा सा, जिससे जिसमें बारकोड वगैरह सारा कुछ दिया रहता है, और वो आप रख सकते हैं कि मैंने फलाने दिन कंप्लेंट किया था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जानकारी रखनी है कि ऑलवेज मेंशन योर टेलीफोन नंबर, हमेशा आप अपना जब भी लेटर लिखते हैं, आगे मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, उसी फॉर्मेट में आपको कंप्लेंट लिखना होगा। टेलीफोन नंबर आप देख लें कि टेलीफोन नंबर आपका क्या है, टेलीफोन नंबर को ज़रूर आप मेंशन करें। इसके बाद आपको क्या देखना होगा कि जब भी हम अपोजिट पार्टी, मान लेते हैं ऐसे अपोजिट पार्टी का कहने का मतलब ये आप हैं, ठीक है, यहाँ पर आप हैं, आपकी कोई टी वी ख़राब हो गई है, ठीक है, आपने फ़ोन करा जहाँ पे आपने ख़रीदा था, ये बंदा यहाँ पे एक आदमी को भेजता है, ये आपके घर आता है, बोलता है कि ये भैया इसके पैसे देने होंगे, ये आपका सामान बन नहीं सकता, ऐसा कुछ बोलता है, तो आप सीधे जो है डायरेक्ट आप कंपनी में अप्रोच कर सकते हैं, और कंपनी में आप ज़रूर मेंशन करें अपने लेटर में कि आपने यहाँ पे संपर्क करा था, आपने कॉन्टैक्ट करा था जिसके फलाने आदमी ने आपको ये आकर बोला है, ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट कंपनी में ये बात भी आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या होती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो भी है वो शॉर्ट आउट करने में आसानी होती है। और अब जब आप कंप्लेन करते हैं तो ऊपर में अपना टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर ज़रूर आप मेंशन कर लें, जिससे कि कंपनी वाला आपको डायरेक्ट अप्रोच कर सके, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ आगे, ठीक है। कंप्लेन करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, आप देख लें कि क्या प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम के बदले में क्या चाहते हैं, आप उस प्रॉब्लम के बदले में या उससे सॉरी कहलवाना चाहते हैं, या फिर उस प्रॉब्लम के वजह चाहते हैं कि कोई मेरा ग्रीवांस सुन ले, ठीक है, मेरी जो भी प्रॉब्लम है उसको उसकी सुनवाई हो जाए, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस हो जाए, तो आपको पहले देख लेना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और आप इसका सॉल्यूशन क्या चाहते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट कोई डिफेक्टिव है, ठीक है, तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितना जल्दी हो सके डील विद द इशू एज सून एज पॉसिबल, उस प्रॉब्लम को जितनी से जल्दी हो सके आप उसको कंप्लेन करके उसको बता दें, कॉन्टैक्ट जरूर कर लें, कंप्लेन करके उसको इन्फॉर्म कर दें। अगर आप देरी करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। मान लेते हैं कि मैंने एक बाइक खरीदी, ठीक है, मैंने एक बाइक खरीदी और चलिए मैंने एक बाइक खरीदी, ठीक है, ए शोरूम से, मैंने एक शोरूम से बाइक खरीदी, ये शोरूम वाला मुझे बाइक दे दिया और बोल रहे हैं कि ये बाइक सही है सर, मैं बाइक चलाया, 3 महीने बाद देखता हूँ कि इसका ख़राब हो गया है, पार्ट्स कुछ ख़राब है, ठीक है, मैं इसको फ़ोन करा, ये बोलता है कि सर पार्ट्स नहीं है, बाद में बना दूंगा,
तो मैं फिर 3 महीने फिर लेट, फिर 3 महीने बाद फिर गया, फिर बोला कि सर पार्ट्स आया नहीं है, फिर आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप 6 महीने बाद ही पार्ट्स मिल सकता है। 6 महीने बाद इस तरह से क्या होता है, ये आपको शोरूम वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और ऐसे में आप बाइक को भी अपने पास रखे हुए हैं और आप कंप्लेंट भी नहीं कर रहे हैं। किसको कंप्लेंट, कंप्लेंट तो आप तो बोलेंगे आप तो इसको कंप्लेंट कर रहे हैं, नहीं जी हाँ, इसको कंप्लेंट नहीं करना है। ये बाइक किस कंपनी का था, ये बाइक था किसी जेड नाम के कंपनी का, इस कंपनी को आप तो नहीं बता रहे हैं ना, तो ये आपको यहाँ अप्रोच करना होगा बाय द वे ऑफ लेटर, लेटर के ज़रिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा कि आपका प्रॉब्लम, जैसे ही आपका प्रॉब्लम आता है तो आप इसको कंप्लेन ना करके मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट इसी को लेटर के ज़रिए कंप्लेन करें, जिससे कि आपको क्या हो, आपको बाद में कोर्ट जाने से भी आप बच सकें, आपको लंबी सुनवाई ज़्यादा ना करवानी पड़े और आपका प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व भी हो जाए। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो मैं बता रहा हूँ, बना रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए ये सारी जानकारियाँ। चलिए इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है हमने ख़रीदा था उसका एक रिसीविंग बिल होता है, रिसिप्ट होता है, आप बिल को अपने पास रखेंगे ओरिजिनल बिल को, उसकी फ़ोटोकॉपी देंगे, डायरेक्ट कंपनी को आप कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आप कंप्लेन करते हैं, आपके पास जो भी प्रूफ है, प्रूफ को भी, प्रूफ जैसे कि परचेज ऑफ प्रूफ होता है, ख़रीदने का प्रूफ क्या होता है, बिल ही होता है या रिसीविंग होता है, या हम लोग कई बार क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करने पे या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करने पे वो अगर आप मांगते हैं सामने वाले बंदे से तो वो आपको रिसीविंग देगा, ज़रूर देगा। ठीक है, हमेशा मांगे उससे रिसीव, आस्क फॉर अ रिसिप्ट एंड कीप इट सेफ, हमेशा उससे रिसीविंग मांगे और उसको सुरक्षित रखे, जिससे कि आपको कोई बेवकूफ़ बाद में ना बना सके। चलिए इसके साथ साथ इतनी सारी जानकारियाँ हो गई, फॉर्मेट को जानते हैं कि फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आपको लेटर लिखना है। तो पहला जो आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये सर्विस से रिलेटेड है कि आपने कोई सर्विस ख़रीदा था और वो सर्विस ख़राब मिला। मान लिया आपने एक बाइक ख़रीदा या आपने एक कार ख़रीदा और उस कार में प्रॉब्लम आ गई, आपने सर्विसिंग कराया और सर्विसिंग बढ़िया से नहीं हुई, तो आप सर्विसिंग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम करवा सकते हैं। या फिर आपने किसी सी कंपनी का कोई मोबाइल ऑपरेटर है, ये भी सर्विस प्रोवाइड कराती है, उसका कोई सर्विस आपने परचेज़ करा है इंटरनेट सर्विस और वो सही चल नहीं रही है, तो आप इसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हुआ है, पहले तो आपका एड्रेस, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, एड्रेस क्या लिखना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, उसके बाद आप जिसको भेज रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है, टाइटल देंगे ज़रूर, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ द एग्जीक्यूटिव मैनेजर को या डिप्टी मैनेजर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप एड्रेस ज़रूर लिखें, कंपनी का पूरा एड्रेस यहाँ पे दें, एड्रेस आप जिस दिन लिख रहे हैं वो डेट दें, रेफरेंस किसके रेफरेंस में लिख रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे डिटेल देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का डिटेल देंगे और फिर डियर सर करके आप लिखेंगे कि इतने तारीख को मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा था और इस प्रोडक्ट में जो है अब प्रॉब्लम आ रही, जिससे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, निराश हो चुका हूँ और मेरी निराशा जो है इस वजह से है। आप अपना डिटेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल को आप लिखें। ठीक है, डिटेल लिखने के बाद जो है प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व कराया जाए, आप जो है अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराने के लिए कुछ और भी इनक्लोज़र लगा सकते हैं, जैसे कि बिल्स वगैरह आप दे सकते हैं कि मैंने इस यहाँ से परचेस करा था, ठीक है, और मुझे ये सर्विस प्रोवाइड कराया जिससे ये सर्विस से मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ठीक है, और यहाँ पे आप कंक्लूजन करेंगे और जो भी इंक्लूजर लगाएंगे लास्ट में आप ज़रूर लिख दें कि ये मैंने डॉक्यूमेंट इंक्लूज किया है। और इसके बाद सीसी, आप सीसी ज़रूर ले, सीसी मतलब कॉपी टू, आप कॉपी किसको किसको भेज रहे हैं, तो इसकी कंप्लेंट की एक कॉपी हमेशा आप उसको भी भेजें जहाँ से आपने एक सामान ख़रीदा है। ठीक है, मान लिया एक बाइक मैंने यहाँ से इस शोरूम से मैंने एक बाइक ख़रीदा है, तो ये तो इस कंपनी का बाइक है, तो इस कंपनी को तो आप एड्रेस कर ही रहे हो, लेकिन इसका एक कॉपी इसको भी भेज दो ताकि इसको भी लगे कि नहीं बंदे में दम है, बंदा सब कुछ जानता है और बंदा जो है सामने उसको कंज्यूमर अपने अधिकारों का, कंज्यूमर राइट्स के बारे में मालूम है। ठीक है, तो बेवकूफ़ नहीं बनाएगा वो आपको। उस तरह से आप कोई भी गुड्स ख़रीदते हैं, परचेस करते हैं, आपको उसी टाइप से लेटर लिखना होगा, बस इसको आप देख लें, समझ लें। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद इतना ही था जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोगों को जागरूक करा सकूं। ठीक है, इसमें आप लोग भी मदद कर सकते हैं, बस आप क्या करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप भी हैं दूसरों की सहायता कर सकते हैं।
तो इसी के साथ चलता हूँ, बाय बाय, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।